नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। जानेंगे खबरें विस्तार से, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। तेल के बेकाबू भाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक, कहा केंद्र ने घटाया टैक्स, कुछ राज्यों ने कमी की लेकिन कुछ राज्यों ने नहीं मानी अपील, देश के हित में राज्य घटाएं टैक्स। दिल्ली में जहांगीरपुरी के बाद दक्षिण दिल्ली के इलाकों में बुलडोजर का एक्शन, एमसीडी की टीम का सर्वे, बोले मेयर जरूरत पड़ी तो आज ही कार्रवाई संभव। अलवर में फिर गरमाया मंदिर का मुद्दा, कई मंदिरों को बुलडोजर से मटिया में करने के बाद बीजेपी की आक्रोश रैली, राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। मुंबई के हनुमान चालीसा विवाद में दिल्ली तक शिकायत की आज, सांसद नवनीत राणा की दिल्ली पुलिस को चिट्ठी, संजय राउत पर लगाया परेशान करने का आरोप। देश में कोरोना की तेज रफ्तार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, कहा खतरा अभी टला नहीं और वैक्सीन कवच के बाद भी 24 घंटे में नए मरीज 3000 तक पहुंचे। मरुधरा में भी ड्रैगन वायरस पैदा कर रहा खौफ, राजधानी जयपुर में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 47 नए केस, अभी 20 मरीज अस्पताल में भर्ती। बीजेपी का राज्य सरकार पर हमला, सतीश पूनिया बोले महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध, कांग्रेस सरकार ने किसानों और युवाओं से किए झूठे वादे, 5 मई कोलबर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन 27वें दिन भी जारी, शहीद स्मारक पर आंदोलन के तहत अनूठा प्रदर्शन, गांधी का वेश धारण कर घुटनों के बल बैठे प्रदर्शनकारी। हिंदुस्तान की शौर्य में और इजाफा, आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण, मिसाइल ने टारगेट को सफलतापूर्वक किया ध्वस्त। नाबालिग से रेप के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा, अजमेर और कोटा में आरोपियों को 20-20 साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया।